विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में 11 सीटों पर नामों पर मोहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट के खिलाफ होगा। वहीं भाजपा से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस से जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उन्हें लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस ने फिलहाल अभी सल्ट, चौबट्टा खाल, टिहरी, हरिद्वार ग्रामीण समेत कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सोमवार शाम घोषित की गई कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में हरीश रावत को रामनगर सीट पर प्रत्याशी बनाते ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री राग छेड़ा है। उनका कहना है कि उनके जीवन की अब तक की सारी राजनीतिक पूंजी इस चुनाव में दांव पर लगी है। यदि जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो अगले 5 वर्षों में उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे जो अधूरी रह गई थी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामांकन भरने का दौर सोमवार को जारी रहा। देहरादून की रायपुर सीट से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन भरा। इस चुनाव में भी वो रायपुर क्षेत्र से मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने भी नामांकन जमा करवा दिया है। नामांकन भरने से पहले वो अपने समर्थकों के साथ कालिका मंदिर पहुंची और पूजा कर आगामी चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लिया। सविता कपूर कैंट विधायक हरबंश कपूर की पत्नी है। कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था। वो लगातार 8 बार विधायक रहे थे। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 31 जनवरी तक जारी रहेगा। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शव यात्रा आदि में केवल 50% क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,064 नए मरीज मिले हैं और 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,03,000 से अधिक हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 7,491 के पार पहुंच गया है। चिंता की बात है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी कोरोना केस लगातार मिल रहे हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 40 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 870, उधम सिंह नगर में 529, अल्मोड़ा में 148, बागेश्वर में 67, चमोली में 169, चंपावत में 28, हरिद्वार में 485, नैनीताल में 243, पौड़ी में 306, पिथौरागढ़ में 37, रुद्रप्रयाग में 25, टेहरी में 58 और उत्तरकाशी में 99 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बड़कोट जिले में बारिश और बर्फबारी के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 19 मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद होने से ग्रामीणों की दुश्वारी बढ़ गई है। हालांकि इन मोटर मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी और मजदूर तैनात किए गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे भारी बर्फबारी हुई है। पीआरओ की मशीनरी और करीब 40 मजदूर हाईवे पर से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, लेकिन रुक रुक कर बर्फ गिरने से हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।